किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चिकन रिस्ट लाए हैं आपके लिए। ये बहुत जल्दी और आसान तरीके से बन जाता है, मिनटों में तैयार हो जाता है। तो देखिए, आधा किलो हमने चिकन ले लिया है। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है और हमने तीन प्याज काट ली हैं। ये देखिए, तीन टमाटर काटे हैं हमने और एक चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। जब लेंगे तो आपको दिखा देंगे। और ये देखिए, हमने आधा कटोरा, ये हो गई 100 ग्राम दही ले ली है। और मसालों में देख लीजिए, एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, एक चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 3 से 4 मिर्ची ली हैं और एक चम्मच हमने नमक लिया है और आधा चम्मच मिर्च ली है। और मिर्च और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना। और ये देखिए, गरम मसाले में देख लीजिए, हमने ये छोटी सी गांठ अदरक की काट ली है बारीक बारीक, और काली मिर्च ली है थोड़ी सी, 3 इलायची ली है छोटी, 2 लौंगी ली हैं, जावित्री ली है, ये देखिए 2 हमने बड़ी इलायची ली है, और ये हमने जायफल सॉरी दालचीनी ली है। तो आइए दोस्तों, बनाते हैं। ये हमने भगोना ले लिया है और हमने इसमें तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तेल हो चुका है और अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। ये देखिए, तो देखिए ये हमारे गर्म मसाले हो चुके हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये देखिए, हम इसे प्याज डालेंगे। तो देखिए, हम प्याज इतनी करेंगे कि हमारी गुलाबी हो जाए, बस इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे तो हमारी गुलाबी हो जाए। देखिए, हमारी प्याज हो जाती है, फिर हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए, आधी कच्ची आधी पक्की हुई है, ये देखिए गुलाबी हो गई है। और इसी में हम ये मिर्ची भी डाल देंगे, ये लाल वाली मिर्ची हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, हमने ये मिर्ची भी इसमें डाल दी है, ये देखिए, और ये हमारी प्याज होती जा रही है। तो ये देखिए, अब 2 मिनट के लिए और चलाएँगे इसमें, वही चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज जले ना। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज हो गई है। ये देखिए, हमें ऐसी चाहिए प्याज। और अब इसमें हम देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें अदरक डाल देंगे हम और ये टमाटर डाल देंगे। 1 चम्मच भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है। और अब इसे हम और देखिए, ये सारे मसाले भी डाल देंगे इसमें। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स कर दिया है इसमें सब चीज़ें डाल के। और अब इसमें हम चिकन डालेंगे। तो देखिए, चिकन डाल दिया हमने और इसे अब मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने मिक्स कर लिया है। और एक हम चीज़ आपको बताना भूल गए थे, तो ये देखिए, धनिया पाउडर 1 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे। और इसे 2 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, 5 मिनट के लिए, ये देखिए, और हल्की आँच करके रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट बाद हम इसे, हमने ढक्कन खोल दिया है और अब इसे मिक्स करेंगे, देखेंगे चिकन हमारा ये गला नहीं गला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन गल चुका है और अब इसमें दही डालेंगे, ये देखिए, और दही डाल के अब इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से। इसे मिक्स कर ली है और अब ये दही हम पानी छोड़ेगा, तो अब इसी पानी में हम इसे भूनेंगे। तो देखिए, हम इसे भून लेते हैं चिकन को, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारा भून चुका है, ये देखिए, इसमें तेल छोड़ दिया है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखिए, ये देखिए। और अब इसमें तेल छोड़ दिया है और हम आपको अब गैस बंद कर देते हैं। और अब हम आपको सर्व, हमारा चिकन स्टू बन के तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए, आप ऐसे बनाइए, आप नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप खाएं तो बहुत टेस्टी यमी बनता है ये। और आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए दोस्तों। और आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाजिर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।